नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पीसी ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 15,000 रुपये के अंदर 3 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताने जाऊंगा। मैंने इस वीडियो में 3 स्मार्टफोन कवर करे हैं जो कि 15,000 रुपये के अंदर वैल्यू फॉर मनी है। तो देखते हैं इस वीडियो को एंड तक, ताकि आप भी देख सकते हैं कौन कौन से हैं वो स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों, लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन है रेडमी नोट 5 प्रो। और दोस्तों, ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2018 में, यानी कि इसी साल। और इसमें आपको देखने को मिल रहा था एंड्रॉयड वर्जन नोगट 7.1.2। इसमें आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जो कि 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के हैं, जो कि ब्लर इफेक्ट काफ़ी अच्छा देते हैं। इसके बाद आपको आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको LED फ्लैश भी मिल जाता है। इसमें फुल HD डिस्प्ले है और 4000 mAh की बैटरी है, जो कि पूरा 1 से 1.5 दिन चल जाती है और नॉन रिमूवेबल भी है। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट भी मिल जाता है, यानी कि आप इसमें 2 सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है और गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी मिल जाता है। तो कुल मिला के बात यह है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 1 4GB और 64GB और 1 6GB और 64GB, जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। दोस्तों, लिस्ट में हमारा अगला स्मार्टफोन है Zenfone Max Pro M1। ये एक एजस का ब्रांड है, जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि पूरे 2 दिन तक चलती है। इसके बाद आपको 6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि फुल HD डिस्प्ले है, और इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 2 गुना फास्टर है और गेमिंग में काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद आपको मिल जाता है एंड्रॉयड 8.1 ओरियो, जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है। पीछे की तरफ इसमें आपको 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, और आगे की तरफ इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। इसमें आप 2 TB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और पीछे की तरफ इसमें आपको 2 डुअल कैमरा देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 2 ब्रांड देखने को मिल जाते हैं, 2 वेरिएंट, जो कि 3 GB और 4 GB है। एक 11,000 का है और एक 13,000 का है, जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद लिस्ट में हमारा अगला स्मार्टफोन है ओप्पो रियलमी प्रो। ये एक ओप्पो का ब्रांड है, जो लॉन्च हुआ था मई 2018 में। दोस्तों, इसमें जो ब्लैक कलर डायमंड कलर है, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और इसमें आपको 8.1 ओरियो मिल जाता है, जो कि एकदम एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है। और इसके बाद आपको इसमें देखने को मिल जाता है 256 GB तक का एक्सपेंडेबल मेमोरी, यानी कि आप इसमें 256 GB तक का मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बैक कैमरे में 13 मेगापिक्सल मिल जाएगा, जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और आगे की तरफ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 3410 mAh की बैटरी है, जो कि एक दिन चल जाती है, और इसमें आपको 4 कलर देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक हेलियो P60, जो कि नॉर्मल प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा भी नहीं है। और इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिनका प्राइस है 8,990, 10,990, 13,990। ये तीनों वेरिएंट है, अपने अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही रेट में दिए गए हैं ओप्पो की तरफ से। तो गाइस, इस वीडियो में 3 ब्रांड थे जो मैंने कवर करे, अपनी तरफ से बेस्ट थे 15,000 रुपये के रेंज में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।